Friends, welcome to part 3 of Sermon on the Mount. दोस्तों पहाड़ी उपदेश के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। We're going to look at Matthew 5:5. हम मत्ती 5 अध्याय के 5 पद को देखेंगे। Blessed are the meek. धन्य हैं वे जो नम्र हैं। For they shall inherit the earth. क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। What a great promise. यह कितनी महान प्रतिज्ञा है। Today we're going to become meek. आज हम नम्र बनने जा रहे हैं। What is being meek? नम्र होने का क्या मतलब है? What is being humble? दीन होने का क्या मतलब है? You know the best example for this? जानते हैं इसका सबसे उत्तम उदाहरण क्या है? Jesus showed us. यीशु ने हमें दिखाया। God could have been surrounded by heavenly glory. परमेश्वर स्वर्ग में अपनी स्वर्गीय महिमा से घिरा रह सकता था। With all creatures praising him. जहां सब प्राणी उसकी स्तुति कर रहे होते। He didn't have to care about us. उसे हमारी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। He could have said, "Follow my commandments and from heaven above." वह स्वर्ग से ही यह कह सकता था कि मेरी आज्ञाओं को मानो। But it's so moving that he came down in humility for us. परंतु यह हृदय को छूने वाली बात है कि वह दीन होकर हमारे लिए आया। He to show us the way. ताकि हमें रास्ता दिखाए। Isn't that amazing? क्या यह अद्भुत बात नहीं है? Coming down from your position of influence. अपने प्रभाव के पद से नीचे उतरना। Coming down from all your glory. अपनी सारी महिमा को छोड़कर नीचे उतरना। To help someone in need. किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए। To care for people. लोगों की देखभाल करने के लिए। To open your eyes to people around. अपने आसपास के लोगों की ओर देखने के लिए। And their suffering. और उनके दुखों की ओर देखने के लिए। That is what is humility. और यही है दीनता। Take a king, एक राजा की कल्पना करें, who has won in battle, जिसने युद्ध जीत लिया है, and there are only a few enemies left, और उसके कुछ शत्रु बाकी हैं, crying for mercy, जो उससे दया की भीख मांग रहे हैं, the king can kill them, और राजा उन्हें मार सकता है, but when he decides to show mercy and forgive them and ask them to leave, परंतु इसके बजाय वह उनके प्रति करुणा दिखाता है और उन्हें माफ करता है और जाने देता है। That is humility. और यही है दीनता। When a great warrior decides to forgive, जब एक महान योद्धा क्षमा करने का फैसला करता है, instead of killing, किसी को मार देने की बजाय, from that position, humility is shown. That's a great thing. तो इस स्थिति से दीनता दिखाई देती है और यह बहुत बड़ी बात है। Another thing in Luke 152, और लूका 1 अध्याय के 52 पद में एक और बात लिखी है। It says, he has brought down the mighty from their thrones. यहाँ पर लिखा है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। Exalted those in a humble estate. और दीनों को ऊंचा किया। If you are surrounded by your throne and all the glory and pride. यदि आप सिंहासन पर हों और चारों ओर से अपने वैभव और अपने घमंड से घिरे हुए हों, Sometimes God will knock you down. तो कई बार परमेश्वर आपको गिरा सकता है। To teach you humility. आपको दीनता सिखाने के लिए। You might be going through such a lesson. हो सकता है इस समय आप यही सबक सीख रहे हों। He might be teaching you through people. हो सकता है लोगों के द्वारा वह आपको सिखा रहा हो। Or through a situation. या किसी परिस्थिति के द्वारा। Let's learn from that. तो आइए इससे सीखें। Let's open our ears and act humbly before them. हम अपने कानों को खोलें और सबके सामने अपने आप को दीन करें। Let's act in humility before people. लोगों के सामने अपने आप को दीन दिखाएं। Humility before God. परमेश्वर के सामने दीनता। I'm not greater than you, Lord. प्रभु मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। I'm not going to show that I'm greater than anyone. मैं यह नहीं दिखाऊंगा कि मैं किसी से भी बड़ा हूँ। I want to be humble. मैं दीन होना चाहता हूँ and serve. और सेवा करना चाहता हूँ। Like you serve me, Lord. जैसे आपने मेरी सेवा की प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's ask for this grace. आइए इस अनुग्रह को उससे मांगे। And when this grace comes upon you and you act as a humble person. और जब यह अनुग्रह आप पर उतरता है और आप एक दीन व्यक्ति के रूप में जीना शुरू करते हैं। You might have tried to build your own kingdom. हो सकता है आपने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की हो। But as you act as a humble person, God says. परंतु जब आप दीन व्यक्ति बनते हैं तो परमेश्वर कहता है। I will make you inherit the earth. मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। Give you love all around. मैं तुझे चारों ओर से प्रेम दूंगा। And give you all the power and prestige in this world. और इस संसार में तुझे सारी शक्ति और आदर दूंगा। But you humble yourself before me. परंतु तू अपने आप को मेरे सामने दीन कर। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Lord Jesus. प्रेमी प्रभु यीशु। Lord, we don't want to be a proud person anymore. प्रभु अब से हम घमंडी व्यक्ति बनकर नहीं जीना चाहते। Lord, we don't want to, Lord, show our greatness before people. प्रभु हम लोगों के सामने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहते। You are the one who has given us talents. हमें प्रतिभाएं आपने ही दी हैं। You have given us gifts. आपने हमें वरदान दिए हैं। You have kept us in this position, Lord, of power. आपने ही हमें इस अधिकार के स्थान में बनाए रखा है। With all our influence. जहां हमारा बहुत प्रभाव है। Oh Lord, we right now humble ourselves. प्रभु हम इसी समय अपने आप को दीन करते हैं। Lord,
I always need your help. और कहें, प्रभु मुझे हमेशा आपकी सहायता की आवश्यकता है. And I need to show love before people. और मुझे लोगों के सामने प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है. Give me a loving heart, Lord. मुझे एक प्रेम करने वाला हृदय दें प्रभु. Teach me how to become humble. मुझे सिखाएं कि मैं कैसे दीन बन सकता हूँ. Teach your children, Holy Spirit. अपने बच्चों को सिखाएं पवित्र आत्मा. In every situation, प्रत्येक स्थिति में. When meeting every person, वे जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं. Let them show you, Lord. वे उन्हें आपको दिखाएं प्रभु. Let them show you, Lord. वे आपको प्रकट करें प्रभु. Let them show your love, Lord. वे आपके प्रेम को प्रकट करें प्रभु. Never let us show our pride, Lord. हम कभी भी अपने घमंड को ना दिखाएं. Get rid of every pride of every person. हर व्यक्ति के अंदर से हर प्रकार के घमंड को दूर करें प्रभु. Lord, as they show humility. प्रभु जब वे दीनता दिखाते हैं. As you promised, elevate them, Lord. जैसे आपने प्रतिज्ञा की है आप उन्हें ऊंचा करें. Help them to inherit the earth. उन्हें पृथ्वी के अधिकारी होने में सहायता करें. Give them love on all sides from all people that they touch. जितने लोगों को वे स्पर्श करते हैं उन सभी के द्वारा उन्हें प्रेम मिले प्रभु. Lord, give them great position of power so that they can show you more. प्रभु उन्हें अधिकार का और भी ऊंचा स्थान प्रदान करें ताकि वे आपको और ज्यादा प्रकट करने पाएं. Lord, give them a great name. प्रभु उन्हें एक बड़ा नाम दें. Bless them abundantly. उन्हें भरपूरी के साथ आशीष दें. As they become your humble servants. जब वे आपके दीन सेवक बनते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. आमीन. Great grace this is. मेरे दोस्तों, यह कितना बड़ा अनुग्रह है. God has kept this grace in you. परमेश्वर ने इस अनुग्रह को आप पर बनाए रखा है. He will teach you how to act humble in every situation. और वही आपको हर परिस्थिति में दीन बने रहना सिखाएगा. Make sure to show it this week itself. सुनिश्चित करें कि इसी सप्ताह आपके जीवन से यह बात दिखाई दे. And let us know how you are able to show humility before people. और हमें बताएं कि लोगों के सामने आप कैसे दीनता दिखा पाए. Let us know the changes in your life. अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में हमें बताएं. We want to rejoice with you to the Lord. हम आपके साथ मिलकर प्रभु के सामने आनंद मनाना चाहते हैं. So comment or message us any way that you can reach us. तो अपने विचार या टिप्पणियां जैसे भी आप हमें भेज सकें आप जरूर भेजें. Have a good week, my friends, and remember to stay humble. मेरे दोस्तों, आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा रहे और दीन बने रहना याद रखें. God bless you.